हाय फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन का टॉपिक है रूट किट वायरस। और पिछले बार सारे वीडियो में मैंने आपको बताया स्पैम क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, ओम्स क्या है, वायरस क्या है और मालवेयर्स क्या होते हैं। तो उसके बाद हम आज देखते हैं रूट किट क्या होते हैं। रूट किट भी एक वायरस होता है, नॉर्मली वायरस होता है। और मतलब आप इसको वायरस डायरेक्टली नहीं बोल सकते, पर वायरस के जो कैटेगरी होते हैं उसके तरफ से कुछ आता है रूट किट। और रूट किट क्या होते हैं डायरेक्टली डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसका काम क्या है वो चीज़ देखते हैं और टाइप्स ऑफ रूट किट क्या है देखते हैं। क्योंकि मैं आपको सिर्फ शॉर्ट नोट बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं बता रहा, सिर्फ शॉर्ट नोट बता रहा हूँ। तो जितना चाहिए उतना ही हम पढ़ेंगे प्लस टू के हिसाब से, मतलब प्लस टू कंप्यूटर साइंस एंड प्लस टू आईटी। ओके, ये दोनों के हिसाब से जितना चाहिए उतना ही देखेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा देखेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो पहले चलो देखते हैं कि उसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। रूट किट, ए रूट किट इज ए पीस ऑफ प्रोग्राम और कोड और कंप्यूटर वायरस दैट वंस इंस्टॉल ऑन ए विक्टिम मशीन दैट इज कंप्यूटर। मशीन मतलब विक्टिम मतलब क्या, जिसके अंदर वो अटैक करेगा उसको बोलते हैं विक्टिम मशीन। देन ओपन्स अप ऑल पोर्ट्स टू अलाउ हैकर टू कम्युनिकेट एंड टेक फुल कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि रूट किट एक पीस ऑफ प्रोग्राम, ऐसा एक कोड होता है, ऐसा एक कंप्यूटर वायरस होता है। अगर ये आपके पीसी में, लैपटॉप में, मोबाइल में, कहीं पे भी एक बार इंस्टॉल हो गया तो आपके पीसी को वो विक्टिम बनाएगा, मतलब वो अटैक करेगा आपके पीसी को, सही तरीके से अटैक करेगा। इस तरीके से अटैक करेगा कि वो सारे के सारे जो पोर्ट होते हैं, जो फायरवॉल होता है लैपटॉप कंप्यूटर में, फायरवॉल होता है और फायरवॉल हमेशा प्रोटेक्ट करता है आपको किसी भी वायरस को एंट्री करने वक्त। जो दरवाज़ा होता है, जिस दरवाजे से वायरस आता है और आपके कंप्यूटर को हैक करता है, आपके कंप्यूटर को अटैक करता है, उसी दरवाजे को फायरवॉल हमेशा मतलब संभाल के जो बैठा होता है, चौकीदार जैसे बैठता है, तो उसी टाइप से वो फायरवॉल भी होता है। पर ये रूटकिट जब आपके सिस्टम में आएगा उसी फायरवॉल को तोड़ देगा, वो ओपन कर देगा, हमेशा के लिए ओपन कर देगा। तो वायरस जो भी होते ये इसका काम सिर्फ है ये ओपन कर देगा और वायरस जो है वो अटैक होना ईजी हो जाएगा। ओके, तो इतना ही चीज़ है। देन ओपन्स अप ऑल द पोर्ट टू अलाउ टू हैकर टू कम्युनिकेट। रूट किट ओपन कर देगा, हैकर उसके बाद कम्युनिकेट करेगा और डायरेक्ट अटैक करेगा आपके मशीन को। ओके, तो और अटैक करेगा मतलब क्या, सभी चीज़ तो खुला छोड़ गया और सिक्योरिटी गार्ड आपका कंप्यूटर में नहीं है, तो ये कंट्रोल लेगा कि कौन लेगा कंट्रोल। अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, इंटरनेट के साथ, तो जो हैकर होता है आपको वो कहीं दूर भी बैठा है तो आपके लैपटॉप और कंप्यूटर को एक्सेस कर सकेगा और पूरे के पूरे कंट्रोल ले सकेगा। इट डायरेक्टली अटैक टू आवर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एंड कैन नॉट डिलीट बाय एनी एंटीवायरस इजीली। रूटकिट ज़्यादातर नहीं आ सकता, मतलब कुछ एंटीवायरस सही से फायरवॉल यूज होगा तो नहीं आ सकेगा। जो सिक्योरिटी गार्ड होगा हमारे कंप्यूटर का, अगर वो सही काम करेगा तो वो नहीं आएगा। अगर एक बार आ गया तो आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, डिलीट नहीं कर पाओगे, पूरे के पूरे सिस्टम को रिबूट करना होगा, पूरे के पूरे चेंज करना पड़ेगा उसको, पूरे के पूरे मतलब शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर, जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होता है उसको ही अटैक करेगा एंड एंटीवायरस के हिसाब से ये कभी डिटेक्ट ही नहीं होगा। तो आप कैसे पहचानोगे रूट किट आया है या नहीं, आप सिर्फ सिम्टम्स को देख के जान सकोगे कि हाँ मेरा स्लो चल रहा है या पूरे के पूरे लैग हो रहा है या कुछ मतलब प्राइवेसी अटैक हो रहा है, तो ही आप देख के जान सकोगे कि रूट किट आया है। नहीं तो ऐसे नॉर्मली आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, मतलब इतना हैकर लोग इतना दिमाग उसका साथी रहे कि आप कुछ भी मतलब सोच ही नहीं पाओगे कि किस टाइप से वायरस आजकल घूम रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। वंस एक्टिवेटेड द प्रोग्राम सेट अप ए बैकडोर एक्सप्लोइट एंड मे डिलीवर एडिशनल मालवेयर। इसका मतलब क्या है, मैंने बताया आपको कि वो दरवाज़ा खोल चुका है, वो सिक्योरिटी गार्ड को हटा चुका है, दरवाज़ा ओपन हो चुका है, तो वायरस आ सकेगा। एक बार तो अगर वो खोल दिया तो उसके बाद बहुत सारे मालवेयर आपके अंदर आ जाएंगे। अगर जितनी बार वो जो हैकर होता है चाहेगा आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर बहुत सारे वायरस भेज सकेगा, भेज दिया और उसके पास तो एक्सेस पहले से ही है और वो एक बैकडोर के हिसाब से मतलब यूज करेगा रूट किट को। रूट किट इसलिए इसका नाम है रूट किट। रूट मतलब जो पूरे के पूरे नीचे तक जाता है पेड़ के, उसको बोलते हैं रूट। तो रूट किट इसको इसलिए बोलते हैं, पूरे के पूरे मतलब अंदर से ही वो आपको खोखला कर देगा, इस टाइप से समझ सकते हैं। ओके, पूरे इजीली आपको समझा रहा हूँ एग्जांपल लेके। तो उसके बाद से भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताना। एडिशनल मालवेयर बहुत सारे डाउनलोड हो जाएंगे और एडिशनल मालवेयर के अंदर कौन कौन आते हैं, रैनसमवेयर्स, वॉर्स, कीलॉगर्स और ट्रोजन्स। ये बहुत सारे कैटेगरी के वायरस होते हैं। एक बार रूटकिट आ गया तो उसके बाद बहुत सारे जो भी कैटेगरी हम पढ़े हैं वायरस के, सभी चीज़ एक साथ आ सकते हैं अंदर। ओके, तो टाइप्स ऑफ रूटकिट देखते हैं। यूजर मोड रूटकिट, यूजर मोड रूटकिट, एप्लीकेशन रूटकिट, बोट लोडर रूटकिट, मेमोरी रूटकिट, कर्नेल रूटकिट, बहुत सारे रूटकिट होते हैं। ये क्या होते हैं, यूजर मोड मतलब जो यूजर का आईडी हो, पासवर्ड होता है, या यूजर जो एडमिनिस्ट्रेशन यूजर
मिक्सर होता है उसको अगर आप आटा करोगे तो उसी वाले रूट किट को यूज करना पड़ेगा। एप्लीकेशन रूट किट, किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप डायरेक्ट अटैक करना चाहो, अगर आपके पास एक VLC मीडिया प्लेयर वाला एप्लीकेशन है, अगर आपका हैकर चाहता है कि मैं उसी एप्लीकेशन को जाके क्रैक कर दूं एक PC के अंदर घुस के, तो कुछ लिंक्स भेजेगा, अगर आप उसी लिंक को क्लिक करोगे तो आपका VLC मीडिया प्लेयर पूरे के पूरे क्रैश हो जाएगा, उसका कोड नहीं चलेगा और VLC मीडिया प्लेयर आप कभी ओपन ही नहीं कर पाओगे। इसी टाइप से बूट लोडर रूट किट अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कभी आ गया, तो आप जब भी कुछ ऑन करोगे, जब भी बूटिंग करोगे, लैपटॉप टोटली ऑन ही नहीं होगा, तो कैसे करोगे। मेमोरी रूट किट भी उसी टाइप से, आप खुद देखो मेमोरी रूट किट क्या है नीचे कमेंट करके बताना, कर्नल रूट किट क्या है नीचे कमेंट करके बताना, हार्डवेयर एंड फार्मवेयर रूट किट क्या है नीचे कमेंट करके बताना, खुद सर्च करके गूगल से जाके देखो और उसके बाद ही बताना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर सिर्फ वीडियो बनाता जाऊँगा, आप सिर्फ देखते जाओगे तो क्या फ़ायदा, खुद भी कुछ आप मतलब रिसर्च करो और पढ़ो, और मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे वीडियो आपको सही लग रहे, अच्छे लग रहे, तो लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, और नीचे कमेंट करके और एक बार बताना कि आपको कौन से वाले वीडियो आगे चाहिए, ताकि मुझे आसानी हो सके कि सही वाला वीडियो बना सकूं। आज के वीडियो को इतने पे रखते हैं, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।